हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। अगर आप सब ठीक हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखें। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो वशीकरण करना चाहते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो है दोस्तों, फ़ोटो से वशीकरण कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं किसी इंसान का वशीकरण करना, अगर आप भी चाहते हैं किसी मन चाहे इंसान को अपने वश में करना, तो आप उस इंसान का फ़ोटो के द्वारा वशीकरण कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम किसी इंसान की ओर आकर्षित हो जाते हैं और उसको दिल दे बैठते हैं, लेकिन दोस्तों हमें पता नहीं होता कि वो इंसान हमें ठुकरा कर चला जाएगा। दोस्तों, प्यार में ऐसा होता है। दोस्तों, अगर आप और हम इस दुनिया में आए हैं, या तो प्यार होते देखते हैं या प्यार करते हैं, और लेकिन दोस्तों जब कोई दो इंसान मिलते हैं तो बिछड़ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर दोस्तों दो इंसान आपस में मिलते जुलते हैं तो उनके बीच में छोटी मोटी बातों को लेकर नोक झोंक तो हो जाती है। दोस्तों, जैसे अभी मेरे पास एक वीडियो पे कमेंट आया था, फ़ोटो से वशीकरण, जो मैंने इस यूट्यूब चैनल में डाली हुई थी वीडियो, तो उस पर लोगों के बहुत से कमेंट आए। लोगों ने अपने मतलब जो दिल की बात होती है वो कमेंट में बताई कि गुरु जी, हमारी वीडियो में बताया कि गुरु जी मेरा बॉयफ्रेंड मेरे से दूर चला गया, गुरु जी मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, हमारा प्यार सच्चा था, लेकिन वो लड़की मेरे को छोड़कर चले गई, या गुरु जी मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, हम दोनों एक साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे घर वाले हमारी शादी के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज युवा परेशान है। देखिए दोस्त, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है। प्यार तो दोस्तों ऐसा खूबसूरत एहसास होता है जो दोस्तों दो दिलों को एक कर देता है। तो दोस्तों, प्यार तो श्री कृष्ण भगवान ने भी किया था। दोस्तों, प्यार तो प्यार होता है, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो या प्रेमी प्रेमिका के बीच में हो। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं उस प्यार को वापस पाना, या अपने पति पत्नी का वशीकरण करना, या अपने माता पिता को लव मैरिज के लिए राजी करना, या दोस्तों किसी का वशीकरण करना, तो दोस्तों आप इस वीडियो में जान सकते हैं फ़ोटो से वशीकरण कैसे करें। दोस्तों, टोटका बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप वशीकरण करने जा रहे हैं तो दोस्तों आप अपने मन को साफ रखें। आपका मन साफ होना चाहिए। आप दोस्तों किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या बदले की भावना के लिए वशीकरण का प्रयोग बिल्कुल न करें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में शुक्रवार का दिन सबसे अच्छा बताया गया है, और अमावस्या का दिन रात्रि का 12 बजे और सुबह का 4 बजे का टाइम सबसे अच्छे बताया गया है। जिस इंसान को आप वशीभूत करना चाहते हैं उसकी फ़ोटो दोस्तों आपके पास होनी चाहिए। आपने दोस्तों नहा धोकर सबसे पहले अपने सामने उस इंसान की फ़ोटो रखनी है जिस इंसान का वशीकरण करना चाहते हैं। हंसते मुस्कुराते हुए दोस्तों फ़ोटो होनी चाहिए। दोस्तों, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपने फ़ोटो पर माथे पर तिलक लगा देना है और वशीकरण मंत्रा का 108 बार विधि पूर्वक जाप करना है। मंत्र है दोस्तों, ओम नमो अमोक वशम कुरु कुरु स्वाहा। अमोक की जगह उस इंसान का नाम लेना है। तो दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें, जो नंबर आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, सिर्फ इस पर ही कॉल करें। और दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।